हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 4 के एनसीईआरटी एग्जांपल। तो फ्रेंड, एग्जांपल नंबर 13 मैंने अपने नोट कर रखा है। बोला गया फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करते हुए इन इक्वेशन के मेरे को रूट निकालने हैं। तो फ्रेंड, उससे पहले हमें पहले ये एग्जिस्ट चेक करना पड़ेगा क्या इनके रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जैसे मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो हमें पहले वेरीफाई करना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, क्या ये जीरो से बड़ा है, जीरो के बराबर है या जीरो से छोटा है। अगर जीरो से बड़ा है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बोल लें या इसे डी बोल लें, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को डी ही कहा जाता है। ठीक है, अगर ये जीरो से बड़ा निकल के आता है तो इसके जो रूट होंगे वो दो डिफरेंट होंगे, ठीक है, यानी कि सेम नहीं होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो के है या फिर डी बराबर जीरो के है तो इसके जो दोनों रूट आएंगे यानी कि दोनों एक्स की वैल्यू आएंगी वो बिल्कुल सेम होंगी। और अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी या फिर डी जीरो से छोटा है यानी कि नेगेटिव में आ जाए तो उसका कोई रियल रूट नहीं होगा, यानी वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इक्वेशन नंबर ली 1, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। मेरी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो कंपेयर किया, ए बराबर कितना आया 3, बी बराबर कितना आया माइनस 5 और सी बराबर कितना है मेरा 2। तो मेरा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी कितना है मेरा, बी है माइनस का 5, ए मेरा कितना है 3, सी मेरा कितना है 2। माइनस 5 को माइनस 5 से गुणा किया 25, किसका आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 4 3 से 12, 12 2 से 24, माइनस का कितना आया 1 आया मेरा। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4 से कितना आया ग्रेटर देन 0, यानी कि फर्स्ट सिचुएशन में मैच खा रहा है। तो जो इसके रूट होंगे वो दो डिफरेंट होंगे। तो x की जो वैल्यू होती है माइनस का बी प्लस माइनस में रूट डी अपॉन 2a, माइनस का बी, बी कितना माइनस का 5, डी की वैल्यू कितनी निकल के आ रही मेरी, डी की वैल्यू 1, यहाँ 1 रख दिया अपॉन में 2a, a की वैल्यू 3। एक बार हम इसे पॉजिटिव में सॉल्व करेंगे, एक बार हम इसे नेगेटिव में सॉल्व करेंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 1 रूट का तो 1 करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, 3 टू जा 6, ये आ गया 5। ठीक है, अब एक बार मैंने प्लस में लिख दिया और एक बार इसको किसमें लिख देंगे माइनस में, 1 का रूट कितना होता है 1 ही होता है, 3 टू जा 6, तो दोनों को जोड़ा 6, 6 से 6 कट गया कितना है 1, 5 में से 1 गया 4 बाई 6, काटा 2 टू जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है फ्रेंड, तो ये दो एक्स के दो डिफरेंट आंसर हो गए 1 और 2 बाय 3। तो मेरा पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं। दूसरा पार्ट मेरे को दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड, तो पहले इक्वेशन से कंपेयर किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए बराबर मेरे कितना होगा 1, बी बराबर मेरे कितना होगा 4, सी बराबर मेरे कितना होगा 5। ठीक है, तो डी स्क्वायर का वाला फॉर्मूला चेक करते हैं इसके ऊपर। फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, तो जो b की वैल्यू मेरी ये रही, देखो b की वैल्यू 4, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 4 ac, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 5, मेरा कौन हो जाएगा d हो जाएगा। ठीक है, तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, कितना आया माइनस का 4। अगर एक डिजिट प्लस का हो एक डिजिट माइनस का हो तो हमेशा माइनस करना है, 20 में से 16 गया 4, दोनों में से बड़ा कौन है माइनस का, तो निशाना है माइनस का। ये जो मेरा डी निकल कर आया ये क्या आया, ज़ीरो से छोटा आया। अगर ज़ीरो से छोटा आता तो जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर डी ज़ीरो से छोटा आ जाए या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ज़ीरो से छोटा आ जाए तो उसके कोई रूल रियल रूट नहीं होंगे। ठीक है, क्या लिखोगे, इट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यह अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, इसको आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि रूट की वैल्यू माइनस की वैल्यू कभी भी रूट में एग्जिस्ट नहीं करती।
ठीक है, क्योंकि डी की वैल्यू का अगर मैं इसमें रूट में रखूंगा, नेगेटिव में रखूंगा, तो सॉल्व क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, ठीक है, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करती है। इसके बाद चलते हैं तीसरे पार्ट पे। इक्वेशन है 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन होती मेरी ax² bx प्लस c इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू माइनस में 2√2, सी की वैल्यू 1, डी होता है b² माइनस का 4ac, बी कितना है 2√2 इसका स्क्वायर 4ac, ए कितना 2, सी कितना 1। अब इसी नंबर को इसी से गुणा करना है। देखो मल्टीप्लाई कैसे करना होगा, 2√2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 से, माइनस माइनस प्लस। देखो बिना रूट वाला बिना रूट वाले से मल्टीप्लाई करेगा 2 2 ज़ा 4, रूट वाले से मल्टीप्लाई करेगा, तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, पावर कितनी हुई 2, 2 से 2 रूट कट गया, बीच में निशान मल्टीप्लाई होगा, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 कितना आंसर आया 0, यानी कि जो मेरा डी है वो 0 के बराबर आ रहा है। अगर डी 0 के बराबर आए तो दो क्या होंगे, इक्वल रूट होंगे, दोनों जो एक्स की वैल्यू आएंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो देखो जरा माइनस का बी प्लस माइनस में रूट डी अपॉन 2a, तो माइनस का बी, बी है मेरा माइनस का 2√2, डी की वैल्यू तो 0 है, ठीक है, रूट लगाने से कौन सा फर्क पड़ता है, a, a की वैल्यू 2, तो माइनस माइनस प्लस 2√2, 0 लिखने से तो कोई फायदा नहीं है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एक्स की वैल्यू कितनी आई 2√2/2, ठीक है फ्रेंड, तो मेरी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√2/2। लेकिन अगर एनसीईआरटी से अगर आपको इसका आंसर मैच करवाना है तो क्या कर देंगे, इसको 2√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि तुम्हारा एनसीईआरटी से आंसर मैच हो जाए। पावर 1, पावर 1, पावर 2 कितना हुआ 2√2, रूट टू से रूट टू कट गया, 2/√2, इससे कटा कितना है 1/√2, एनसीईआरटी में हमें ये आंसर दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर भी छोड़ दे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैंने कहा इसमें इक्वल रूट होंगे, क्या होंगे इक्वल रूट, मतलब जो एक्स की वैल्यू ये आई है दूसरी वैल्यू भी यही होगी, ठीक है फ्रेंड, तो ये इसके दोनों रूट निकल कर आ गए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं, अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।